हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गेट ऑन रुपीज 4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स एट 12.5% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ एयरली। तो खासतौर पे दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक कि इंटरेस्ट है हाफ एयरली है कि एनुअली है, और इसके साथ साथ जो रेट है, तो अगर वो हाफ एयरली है इंटरेस्ट कंपाउंडेड, तो रेट को भी और टाइम को भी अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 9, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल है 4096। प्रिंसिपल के बाद दिया हुआ है टाइम 18 मंथ्स, टाइम इक्वल टू 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करें तो 18 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करें तो वन एंड हाफ ईयर होता है। तो इसको हम लिखेंगे वन एंड हाफ ईयर। अब इसको हम कन्वर्ट कर दें तो 3/2 इंटू टाइम को डबल करना होता है तो 3 हाफ ईयरली या 3 कन्वर्सन पीरियड लिख सकते हैं। हाफ ईयरली भी लिख सकते हैं, कन्वर्सन पीरियड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है, ये टाइम हो गया। टाइम है हमारा 3 और रेट है, रेट के लिए बताया हुआ है कि 12.5%। तो 12.5% इसको कन्वर्ट करो मिक्स नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 22 12 2 24 + 1 25/2। लेकिन ये हाफ एयरली था तो क्या होता है, टाइम को हाफ कर, रेट को हाफ करते हैं तो 25/2, एक और 2 नीचे आ गया तो 25/4%। अब आप फार्मूला लगा लो, तो अमाउंट का फार्मूला था ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 पावर एन। प्रिंसिपल है 4096, रेट है ये 1 + रेट की जगह पे 25/4, और ये 100 भी है पहले से ही रहता है, टाइम में 3। 4096 एलसीएम करो, ये 400 होगा, ये 400 + 25/3। 4096 इंटू 425/400 इंटू 425/400। इसको ऐसे नहीं करके पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं अंदर ही, बाहर भी कर सकते थे। इसको क्रॉस करने पे अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो 17 बार मिल जाएगा। 17 यहाँ लिखो और यहाँ पे 16। देखो 16 से 25 इंटू 4 होता है 100, फिर 25 इंटू 400 तो 200 हो गया 8 बार में, और 16 बार में 400 हो जाएगा। तो ऐसे अब इसको आगे आप ले लो, 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। अब इसको क्रॉस करना होगा तो ये आएगा 16 से क्रॉस करने पे 256, यहाँ भी आएगा फिर 16 से 256 के बाद 16, और ये 16 इस बार पूरा क्रॉस होगा, बचा 17 × 17 × 17, और इसको इंटू करेंगे तो आता है 4913। तो ये अमाउंट हमारा आ गया 4913। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन को करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, एक जगह का पॉपुलेशन के बारे में लिखा है कि किसी जगह का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 में वो बढ़ के 54,000 हो गया, और रेट था एट द रेट ऑफ 5% पर एनम।
2003 में 54,000 हो गया, रेट था 5%, एंड फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो क्वेश्चन ये है कि किसी जगह की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट अगर 54,000 है, तो आज से 2 साल पहले, 2003 का दिया है तो 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो इसको ऐसे निकालते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, 2 साल पहले की पॉपुलेशन दिया हुआ है उसको हम लोग ए लिख लेंगे, अमाउंट लिख लेंगे। 2 साल पहले का पॉपुलेशन है हमारा 54,000, ये फर्स्ट केस है। अभी का हमने लेट कर लिया एक्स, टाइम है 2 ईयर और रेट है 5%। तो ये क्वेश्चन, अब इसको बस सॉल्व कर देना है, फॉर्मूले में जाना है। अमाउंट की जगह 54,000 लिखेंगे, प्रिंसिपल में एक्स, तो रेट है 5, टाइम है 2। एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली कैलकुलेशन पे ध्यान लेना है। क्रॉस कर सकते हैं इसको हम लोग, 21 और ये 20, 20 एक्स दोनों में इंटू हो जाएगा, तो 21x इंटू 21x अपॉन 20 इंटू 20। अब यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी है, इसका 21 का स्क्वायर करोगे तो सीधे सीधे आप ऐसे लिखो, अभी यहाँ पे x नहीं डालें, x को बाहर था बाहर ही रहने दें, वन मोर लाइन और कर लो, 54,000 इंटू 20 इंटू 20 और ये हो जाएगा 441x। 21 में 21 को इंटू करने से इतना आता है, ठीक है। या तो फिर इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं, हटाओ इसको, ये ऐसा है 54,000 इक्वल टू 441x अपॉन 20 इंटू 20, ऐसे आप लिख दो, फिर हो जाएगा x इक्वल टू डायरेक्टली 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 441। डिवाइड करने पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने पे आएगा 48979.59, पॉइंट में आता है, इसको हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 48980 अप्रॉक्सीमेट। तो ये पॉपुलेशन होगा, इसको लेट लिख लिया, ये पॉपुलेशन हुआ 2 साल पहले का, अप्रॉक्स लिखा है, पॉइंट में पॉपुलेशन नहीं हो सकता, इसलिए 2 साल बाद का भी पॉपुलेशन हमको बताना है। तो जब 2 साल बाद का पॉपुलेशन हम बताएंगे, तो उस केस में 2 साल बाद का पॉपुलेशन जब बताएंगे हम, तो उस केस में जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 54,000 होगा, क्योंकि आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वही हमारा प्रिंसिपल होगा। तो फिर बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना होगा। तो प्रिंसिपल में 54,000 आ जाएगा हमारा, बाकी सब ठीक है। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल में 54,000, रेट में आप डालोगे 5/100 और टाइम में 2। तो ये 54,000 100 100 प्लस 5/2, 54,000 इंटू 105/100/2, क्रॉस कर दिया 21 और 20, तो 54,000 इंटू 21/20, 21/20, ये दो दो जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें इसको और क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के बाद 2 से 270 आएगा,
टू से करेंगे तो 135 आएगा, और इसका जब आप इनटू करोगे 21 का 21 से कर दो सीधे 441। अब जब आप इसका इनटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5365। तो ये पॉपुलेशन होगा आज से 2 साल बाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट केस था वो और ये सेकंड केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। तो किसी लैब में बैक्टीरिया जो है उसकी काउंटिंग की गई, काउंट में देखा गया कि वो 2.5% पर आवर के रेट में बढ़ रहा है। शुरू में 5,06,000 था, तो बताना है कि 2 घंटे में कितना हो जाएगा। आवर्स को आप इग्नोर करो, आवर्स जो टाइम का ये फॉर्मूला हमारा ये अमाउंट का, आवर्स मतलब हम यहाँ पे टाइम में लिखेंगे। तो सब कुछ वही है, फॉर्मूला वही होगा, फिगर चेंज होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका प्रिंसिपल में होगा 5,06,000, टाइम में 2 आवर्स और रेट है 2.5%। 2.5% को आप 5/2 भी लिख सकते हो। बस इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल में 5,06,000, रेट है 5/2, टाइम है 2 आवर्स, तो 5,06,000, 200 LCM, 200 + 5/2, तो 5,06,000, फिर इधर 205/200, इसको क्रॉस करके देखें। अगर आप इसको क्रॉस करते हो 5 से, तो 5 4 20, 5 1 5, और 5 से नीचे क्रॉस करते हो तो आता है 40। अब आप 5,06,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40, तो पहले तो 0 क्रॉस कर दो। अब आपको देखना है कि ये 4 से क्रॉस होता है कि नहीं। देखो कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे किया हुआ था, और उस कैलकुलेशन में इसका आया है 5, 4 से क्रॉस करने पे, 4 पे से क्रॉस होता है ये नंबर और आता है हमारा 1,265। आप करके देख सकते हो 1,265। अभी नीचे एक 4 बचा हुआ है, इन सब का इंटू करने पे, अब ये क्रॉस नहीं होता, तो 1,265 इंटू 41 इंटू 41/4, सबका मल्टीप्लाई करके आएगा 2,1,264 बाई 4 एंड इक्वल में 5,316,16.25, 5,316,16.25। लेकिन इसको पॉइंट में नहीं लेके, इसको 5,316,16 अप्रॉक्स में लिखा जाएगा, और यही है आपका जो बैक्टीरिया के नंबर्स बढ़ेंगे उसका आंसर 5,316,16। एक क्वेश्चन और है कि अ स्कूटर वाज बॉट फॉर 42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। एक स्कूटर खरीदा गया और जिसकी वैल्यू 8% के रेट में कम हो रहा, रिड्यूस हो रहा है। डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट का मतलब होता है कम होना। तो जब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कहीं भी होगा तो हमारा फार्मूला यहाँ पे चेंज होगा, ये प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसे ही करना है। देखिए
इसमें हमारा प्रिंसिपल है 42,000 और फिर टाइम है 1 ईयर, रेट है 8%। यहाँ पे माइनस का साइन है, प्रिंसिपल में आप डालें 42,000 और रेट है 8, टाइम है 1। एलसीएम करोगे तो 100, 100 माइनस 8, 42,000 इंटू 92 अपॉन 100, इसको आप क्रॉस कर दो, अब बचा 420 इंटू 92 और आप इंटू करोगे तो आएगा 38,640। तो स्कूटर का जो रिड्यूस प्राइस होगा, डेप्रिसिएटेड प्राइस होगा, वो होगा 38,640। ये आपको आंसर्स में हर क्वेश्चन के आंसर के लास्ट लाइन में लिखना होगा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो जस्ट यू मस्ट राइट दैट द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज ₹38,640। ओके, दिस इज ऑल फॉर टूडे एंड आवर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड नाउ। थैंक यू।